हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इन पहाड़ों के बीच बसा एक गांव बीते कई सालों से अपने नियम कायदों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। किन्नौर के रारंग गांव में जगह जगह लगे इस तरह के पोस्टर धूम्रपान निषेध की चेतावनी देते हुए नजर आ जाएंगे। दरअसल रारंग गांव कई बार आगजनी से हुई तबाही का गवाह रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए दशकों पहले ग्रामीणों ने यह कदम उठाया था। इसका एक कारण यह है कि हमारे गाँव में जो हमारे जो घरे हैं वो बहुत ही क्लोज है और एक दूसरे से सटा हुआ है। इस मतलब खुले में हम धूम्रपान करते हैं तो आग लगने का एक बहुत बड़ा एक खतरा हो सकता है। लगभग 100 साल पुरानी वो तो हमें बुजुर्ग ये बताते थे आग लगी थी करके, हमारे देखी दिखाई में 7 बार आग लगी है और बुजुर्ग बच्चों से लेकर के हम सब उठ के जाते थे। रात को कहीं 2 बजे भी ना लगे आग तो हम जागे उस आग को बुझा लेते थे। रारंग गांव में क्यों है धूम्रपान पर बैन? ग्रामीणों के मुताबिक बीते करीब 100 सालों में इस गांव में 7 बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। आजादी से पहले के एक अग्निकांड में पूरा गांव तबाह हो चुका है, जबकि 3 बार आग ने आधे से ज्यादा गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। आखिरी बार साल 2005 में गांव के 3 घर आगजनी की भेंट चढ़ गए थे। रारंग गांव पहाड़ी पर ऐसी जगह बसा है जहां दिन भर तेज हवाएं चलती रहती हैं, जो छोटी सी चिंगारी को भड़का सकती है। गांव के परंपरागत लकड़ी के घर हैं, जिन पर आग लगने का खतरा ज्यादा होता है। गांव के सभी घर एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। आगजनी होने पर आग एक घर से दूसरे घर तक आसानी से फैल सकती है। यहाँ आग लगने पर फायर ब्रिगेड बुलाना खुद से बेईमानी है, क्योंकि सबसे नजदीकी दमकल केंद्र 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय रिकांगपियो में है। कई बार यहाँ पर आगजनी हुई है। आगजनी होने के बाद जो यहाँ पर जो रोक हुई है, आगजनी को काबू पे हम ला पाए हैं, उसका जो कारण है वो ये कि हमारा जो यूनिटी है उस यूनिटी के आधार पर हमने काबू पाया है। गाँव में बीड़ी सिगरेट पीने के अलावा सीटी बजाने पर भी बैन है। सीटी बजाने का मतलब ये था कि वहाँ आग लग चुका है, तो हम अभी भी जो पुराने हमारे जो मान्यताएं हैं जो उनको लेके चलते। अभी कुछ हाल 2 साल पूर्व हमारे गांव में आग लगी थी, तो लोगों ने सीटी बजाकर वहाँ लोगों को एकत्रित किया गया था। तो हम ये मानते हैं कि जब आग की घटनाएं या अन्य इस तरह की घटनाएँ होती है तब वहीं पर सीटी बजाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं बजाया जाता है। गाँव में बेवजह सीटी बजाने पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा पंचायत उस शख्स पर कड़ी कार्यवाही करके सजा भी दे सकती है, क्योंकि बेवजह सीटी बजाने पर लोग इकट्ठा होंगे जिससे उनका वक्त बर्बाद होता है। गांव में हुई हर आगजनी पर गांव वालों ने खुद काबू पाया है। रारंग ने आगजनी का दंश भले झेला हो, लेकिन हर बार गांव ने मिलजुल कर इस मुश्किल का सामना किया है और हर बार गांव फिर से उठ खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर रारंग गांव ने एकता की मिसाल कायम करने के साथ आगजनी की घटनाओं से सबक भी लिया है। खास बात ये है कि ये नियम गांव वालों ने खुद बनाए और उनका सख्ती से पालन भी करते हैं। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी ग्रामीण इन नियम कायदों के प्रति जागरूक करते हैं। बाहर से भी हमारे यहाँ पर कई टूरिस्ट आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता कि यहाँ हमारे गांव में ये बीड़ी सिगरेट बंद है। जब वो यहाँ पर पीना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी आदमी उसको टोकते हैं, जब टोकते हैं तो उनके मुंह से भी यही निकलती है यार ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये गांव। गांव में होने वाले शादी समारोह में भी इन नियमों का ध्यान रखा जाता है। इस दौरान भी न धूम्रपान होता है न सीटी बजाई जाती है। आग जलाते वक्त पूरी एहतियात बरती जाती है। अपने गांव को आग से बचाने के लिए रारंग के ग्रामीण के बनाए नियम कायदे आज दूसरे गाँव के लिए भी मिसाल है। साथ ही नशे के जाल में फंसती आज की युवा पीढ़ी के लिए भी ये कायदे फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। हम नशे के खिलाफ जो युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं कि नशे आने वाले समय में हम युवाओं को नशे से दूर रखना चाहते हैं। गांव और जंगलों को आगजनी से बचाने के साथ साथ युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकारें कई अभियान चलाती हैं।
लेकिन रारंग गांव अपने नियम कायदों की बदौलत इन मुश्किलों का हल बहुत पहले खोज चुका है, जिसका फायदा गांव को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।